गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपके पास कोई एमएस एक्सेल का डेटा है और आप चाहते हैं उसको एमएस वर्ड में ले जाए और आप एमएस एक्सेल में जो भी उस डेटा में चेंज करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो वर्ड के डेटा में भी चेंज हो जाए, तो वो किस प्रकार पॉसिबल है आज के टॉपिक में हम लोग इस चीज को सीखने वाले हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन मौजूद है और दोनों में देखिए सेम डेटा है। यह हम लोगों का एक्सेल का फाइल है और यह हम लोगों का वर्ड का फाइल है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी चीज को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए राज देवघर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चाहते हैं इसको कर दे कोई दूसरा एड्रेस दे देते हैं, कोई आशा दे देते हैं। अब देखिए उसी वक्त यहाँ पर भी आपका चेंजिंग हो रहा है, क्लास में या आपका रोल नंबर में हम कोई चेंजिंग करें तो देखिए यहाँ पर भी रोल नंबर में ये चेंजिंग हो रहा है। तो ये जो डेटा लिंक हो गया एक्सेल से वर्ड में, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ आज के टॉपिक में हम लोग यही चीज को सीखने वाले हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं सबसे पहले। चलिए हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया और इसमें भी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और चल जाते हैं एक नया एप्लीकेशन पर। जैसे हम लोग एक्सेल में आएंगे तो एक्सेल में ऑलरेडी हम लोगों ने एक फाइल ऑलरेडी बना करके रख दिए हैं जिसका नाम है स्कूल रिपोर्ट। तो देख रहे हैं आप लोग स्कूल रिपोर्ट का ये रिपोर्ट आपका यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि वर्ड में यही रिपोर्ट हम लोगों का आ जाए और हम यहाँ पर जो भी चेंजिंग करें वो वर्ड में ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजिंग होते रहे, तो वो कैसे होंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लिए हैं, यहाँ पर देखिए वर्ड एप्लीकेशन आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर कैसे लाएंगे उस रिपोर्ट को यहाँ पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहां पर आपको मिलेंगे एक ऑप्शन मिलेंगे जिसका नाम है इंसर्ट, आपको इंसर्ट में क्लिक करना है। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलते हैं ऑब्जेक्ट का। देखिए यहां पर आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप क्लिक कीजिए, यहां पर आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट, फिर से एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आपके सामने अवेलेबल होंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद आपको यहां से अपना फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल को आपने एक्सेल फाइल को आपने सेव करके रखी है। जैसे मैंने सेव करके रखी है स्कूल रिपोर्ट नाम से, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं कर दूंगा इसको इंसर्ट। ये काम करना है, पहला काम हो गया। देखिए इसका लिंक यहां पर आ गया है। अब जो काम करना है वो है लिंक टू फाइल, इसमें आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर लिंकिंग होना शुरू कर दिया है। अब इसको हम लोग जस्ट फॉर ओके में क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पर ये तैयार होकर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया। अब आपको लग सकता है कि ये तो कट गया, तो कटा नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इसको हम जैसे यहाँ पर मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये मूव हो गया। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा जैसे करना है आप इसको कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आप यहां से इसको साइज को बड़ा कर सकते हैं, यहां से आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको करना है आप इसको कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, यहां से भी बड़ा कर सकते हैं आप इस तरह से। अगर आपके पास मान लीजिए ये ग्रिड लाइंस आ रहा है, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो आप वो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आप एक्सेल फाइल में आ जाइए और यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस आपको देखने को मिल रहा है इसमें आप व्यू में चले जाइए, व्यू टैब में, और यहां से आप कर दीजिए ग्रिड लाइंस को अनचेक। बस आपको कुछ नहीं करना है, ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देना है। अब आप चले जाइए अपने वर्ड एप्लीकेशन में, देखिए यहाँ पर क्या जादू होता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या होंगे वो देखने वाला विषय, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए यहां पर आ गया। अब यहां पर मैं इसको विंडो बटन से राइट बटन को प्रेस करके इधर कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि इसको देखने में मिले, और इसको भी हम लोग विंडो के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस करके इधर कर देता हूं ताकि मैं यहां पर जो भी चेंजिंग करूं आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मनोज है, दुमका में रहता है, तो इसको मैं चाहता हूं इसको हम लोग कोई दूसरा नाम देना चाहता हूं, जैसे मैं देवीपुर देना चाहता हूं,
तो जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर देवीपुर आ गया, और यहाँ पर मैं जैसे ही कोई रवि है तो हम चाहते हैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम हो, किसान हो, तो देखिए यहाँ पर भी ये किसान हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर जो है आपका चेंजिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये लिंकिंग करता है एक्सेल से वर्ड में, हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए रहे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।